हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसमें हम बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में बताए थे, साथ साथ ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद का मूल कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है और इंड्यूस करंट डेवलप होता है। आज जानना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानने के पहले एक हम देखें द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। एक साइंटिस्ट थे, नाम था फैराडे, और उनके सहयोगी थे जिनका नाम था हेनरी। फैराडे और हेनरी ये दोनों साइंटिस्ट मिल करके कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। पहले जरा उस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखें, क्या वो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। पहला एक्सपेरिमेंट नंबर वन, एक्सपेरिमेंट नंबर वन को कहा जाता है करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। उन्होंने क्या किया, एक क्वाइल लिया, क्वाइल में कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो भी उस ये शो करने के लिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। उन्होंने किया क्या कि मैग्नेट के किसी पोल को, नॉर्थ पोल को, तेजी से टुवर्ड्स क्वाइल उन्होंने मूव किया। उन्होंने मूव किया तो देखे क्या, ऑब्जर्व क्या किए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। उसी तरह तेजी से ये नॉर्थ पोल को दूर ले गए, अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए, तो फिर इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों ही केस में इसी तरह साउथ पोल को इधर, यदि मान लेते हैं कि साउथ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, तो यदि साउथ पोल को तेजी से नजदीक लाते हैं तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है। साउथ पोल को तेजी से दूर ले जाते हैं तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब इस क्वाइल में करंट फ्लो हो रहा है, जबकि इस क्वाइल में कोई ना तो कोई सेल है, ना कोई बैटरी है, कोई सोर्स नहीं है, फिर भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आखिर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे फ्लो हो रहा है, इसको उन्होंने कहा करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के द्वारा करंट इंड्यूस होना, करंट अपने आप पैदा हो जाना। दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर टू, इसको कहते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। करंट इंड्यूस्ड बाय करंट, इसमें उन्होंने क्या किया, उसी तरह एक क्वाइल ले लिया, उन्होंने क्वाइल ले लिया, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहां एक दूसरा क्वाइल ले लिया। इस क्वाइल में उन्होंने एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया। और उन्होंने जब इसमें सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जिस क्वाइल में करंट फ्लो कर रहा है उस क्वाइल को उन्होंने तेजी से इस क्वाइल की तरफ लाया जिसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। इस क्वाइल को तेजी से मूव किया टुवर्ड्स ए क्वाइल की तरफ, तो
तो इन्होंने देखा कि यह गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। उसी तरह इस कॉयल को तेजी से दूर ले गए, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस कॉयल में डिफ्लेक्शन हो गया बट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो एक करंट कैरिंग कॉयल को भी यदि हम तेजी से नजदीक लाते हैं, तेजी से दूर ले जाते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें करंट फ्लो होता है, मतलब इंड्यूस करंट अपने आप डेवलप हो जाता है। हाँ, इतना जरूर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि एक कॉयल को हम स्टैटिक कंडीशन में रख देते हैं, ये मैग्नेट को स्टैटिक कंडीशन में रखते हैं, चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो, दोनों ही केस में चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो, यदि ये मैग्नेट स्टैटिक कंडीशन में है, यदि ये कॉयल स्टैटिक कंडीशन में है, तब एक कॉयल में करंट फ्लो नहीं होता है, न इसी कॉयल में करंट फ्लो होता है। एक उन्होंने और एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसको क्या इन्होंने नाम दिया, करंट बाय चेंजिंग करंट। ये क्या होता है, इसमें भी उन्होंने दो कॉइल ले लिया, एक कॉइल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर है और दूसरा कॉइल में बैटरी लगा हुआ है। इसमें की लगा हुआ है, की है। की को उन्होंने क्या किया, प्रेस किया या कह सकते हैं ऑन किया। तो जब की ऑन है तो करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं की ऑफ करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, फराडे और हेनरी ने क्या ऑब्जर्व किया कि इस क्वाइल में जब की को ऑन करते हैं या की को ऑफ करते हैं, जिस समय की को ऑन करते हैं की को ऑफ करते हैं, जिस समय करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है या करंट फ्लो होना बंद होता है, उस समय एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये फराडे और हेनरी का 3 एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट, जिसमें एक कॉयल के नजदीक यदि कोई मैग्नेट को तेजी से नजदीक लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो इस कॉयल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इंड्यूस करंट होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, करंट इंड्यूस्ड बाय ए करंट, कोई एक कॉयल के नजदीक में कोई दूसरा कॉयल करंट कैरिंग कॉयल रखते हैं और इस कॉयल को तेजी से नजदीक लाते हैं या तेजी से दूर ले जाते हैं, तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब इस कॉयल में भी करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तीसरा क्या है कि एक क्वाइल के बगल में एक दूसरा क्वाइल है, इसको हम तेजी से नजदीक नहीं लाते हैं, तेजी से दूर नहीं ले जाते हैं, इसको मूवमेंट नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, इसका जो की है एक की को स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। जब की को ऑन किए या ऑफ किए उस समय हमने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो क्वाइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर सिर्फ लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक नियम दिया, उस नियम को कहा जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद सबसे पहली बात तो इसका कॉज क्या है, सबसे पहले इस देखिए कि इसका कॉज क्या है। कॉज, इसका कारण क्या है। एक्चुअली ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है
इसमें कारण क्या है, करंट फ्लो हुआ इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। तो उन्होंने कहा, इसके पहले हम एक बताए थे मैग्नेटिक फ्लक्स, कारण क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू होता है फाई ए कॉस थीटा, या इसको हम लोग कह सकते हैं सॉरी बी ए कॉस थीटा, जहां बी है मैग्नेटिक फील्ड है, ए है कॉइल एरिया है, थीटा है, इसको हम कॉस थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू होता है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब कॉइल का एरिया, ए हो गया एंगुलर वेलोसिटी, टी हो गया टाइम, थीटा हो गया। तो उन्होंने कहा कि यदि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं, यदि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज किया जाए, तो ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ इट डेवलप सो दैट एंड इंड्यूस करेंट स्टार्ट टू फ्लो इन द कॉइल। मीन्स यदि आप कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं, या एरिया में चेंज करते हैं, या एंगल में चेंज करते हैं, ओमेगा में चेंज करते हैं, टाइम में को चेंज करते हैं, किसी में यदि आप चेंज करते हैं, तो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप इन द कॉइल एंड इंड्यूस्ड करेंट स्टार्ट टू फ्लो इन द कॉइल। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है किसी कारण से, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, तो उस कॉइल में ईएमएफ डेवलप होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, जिसके कारण उसमें इंड्यूस करेंट स्टार्ट हो जाता है, फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहला जो हम जो देखे थे, इसमें क्या था, मैग्नेट को तेजी से नजदीक लाते थे। तो उन्होंने कहा क्या कि मैग्नेट को तेजी से लाने से ये मैग्नेट के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और करंट प्रोड्यूस होगा। सेकंड में क्या था, उसी तरह करंट इंड्यूस बाय करंट, एक करंट के कारण, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, यही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी होगा। तो इस कॉइल को यदि हम तेजी से नजदीक लाते हैं या तेजी से दूर ले जाते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होगा, करंट फ्लो होगा। थर्ड में क्या एक्सपेरिमेंट में है, थर्ड में है एक कॉइल लिए थे, कॉइल के बगल में एक दूसरा कॉइल था जिसमें सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, इसमें की है, एक स्विच है, स्विच ऑफ है तो करंट का वैल्यू जीरो, जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो करंट का वैल्यू, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यदि स्विच ऑफ है, करंट का वैल्यू जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यदि स्विच को हम ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जीरो टू बी, अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बी हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बी होगा जब स्विच को ऑन करेंगे, उसी तरह जब स्विच को ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट करके बी से जीरो हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो
तो ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से, तीनों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब जैसे चेंज हो, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉयल में तो उस कॉयल में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, जिसके कारण उस कॉयल में करंट फ्लो होता है, जिसको हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कुछ नियम दिया, उस नियम को हम लोग कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्हें ना जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या दिया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है, क्या कहता है? व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए सर्किट और क्वाइल चेंजेस, कहता है कोई क्वाइल है या कोई सर्किट है, यही सर्किट है या यही क्वाइल, यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू है बी फाइव, या जिसको हम लोग कहते हैं फाइव इक्वल टू कहते हैं बी ए कॉस थीटा या बी ए कॉस ओमेगा टी। व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए सर्किट चेंजेस, यदि ए क्वाइल चाहे ए सर्किट के से जो लिंक है मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू, ए मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज करता है, तो कहता है एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट, ए सर्किट में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, एक सर्किट के अबाउट, दोनों एंड के अबाउट एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट। और यह जो ईएमएफ होता है, द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, ये ईएमएफ कब तक इंड्यूस होता है, कब तक पैदा होता है, जब तक उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज होते रहेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जब तक चेंज होते रहेगा, तब तक ईएमएफ पैदा होगा, और ईएमएफ पैदा होगा तो करंट फ्लो होगा। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ। यदि किसी क्वाइल या किसी सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स यदि कोई लिंक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज करेगा, तो उस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, और यह ईएमएफ तभी तक फ्लो होता है, तभी तक इंड्यूस होता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है। चलिए हम लोग सेकेंड लॉ देखें। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट, इसमें जो ईएमएफ पैदा हुआ, यह ईएमएफ का वैल्यू क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए सर्किट। मान लेते हैं समय है टी, समय है टी वन, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर है फाइव वन, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव वन। कुछ समय के बाद समय चेंज हुआ टी टू, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फाइव टू। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? फाइव टू माइनस फाइव वन। तो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन ए सर्किट और क्वाइल, कोई सर्किट में कोई क्वाइल में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, जो पैदा होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसका रेट पर यूनिट टाइम,
मतलब टाइम इंटरवल क्या हो गया, टाइम इंटरवल क्या कह सकते हैं, T2 - T1। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Φ2 - Φ1 / T1 - T2। आप इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, या इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे K, Φ2 - Φ1 / T1 - T2 - T1, जहां K क्या है, वेयर K इज ए कांस्टेंट, K क्या है, कांस्टेंट है और इसका वैल्यू 1 होता है, इट्स वैल्यू इज यूनिटी 1 होता है। सो कह सकते हैं E इक्वल टू Φ2 - Φ1 / T2 - T1। इसको हम लोग डेल्टा फाइ बाय डेल्टा टी भी कह सकते हैं, डेल्टा फाइ बाय डेल्टा टी कह सकते हैं। और इस ई को हम लोग डी फाइ बाय डी टी भी कह सकते हैं। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू वेरिएबल है तो इसको हम लोग डी फाइ बाय डी टी भी कह सकते हैं। कहता है कि ए, यहां हम एक नेगेटिव साइन लेते हैं, इसमें हम लोग एक नेगेटिव साइन ले लेते हैं, एक नेगेटिव साइन ले लिए। नेगेटिव साइन क्या क्यों लेते हैं, तो नेगेटिव साइन इसलिए लेते हैं कि यह जो ईएमएफ पैदा होता है एक्चुअली चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, इसलिए हम लोग वहां एक नेगेटिव साइन ले लेते हैं। क्या कहता है, हेयर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन सो दैट, क्या शो करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है, अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यह मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसको अपोज करता है। साथ साथ यदि इस क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं डी फाई बाय डी टी, वेयर एन क्या है, यह है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो ईएमएफ का वैल्यू भी ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फाइनल फॉर्मूला हो गया E = -NdΦ/dt, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल, फाइ क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन द क्वाइल, और टाइम तो हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो गया। अब कहता है कि जब ईएमएफ पैदा होगा तो इंड्यूस करंट का भी वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट और क्वाइल, तो कहता है कि इस क्वाइल का मान लेते हैं रेजिस्टेंस है R, लेट R
रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल और सर्किट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा ई बाई आर, मतलब माइनस एन डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। तो करंट का वैल्यू हो गया माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू। तो यह है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके आधार पर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालते हैं, इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें देखते हैं यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन निकालने के लिए दो नियम है, एक फ्लेमिंग का नियम है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और एक लेंज का नियम है जिसको हम लोग कहते हैं लेंज लो। तो हम लोग जरा देखें लेंज लो और फैराडे राइट हैंड रूल। देखिए पहले देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, कहता है यदि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो अलोंग फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर, पहला बात तो यह है कि राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल जो भी होता है तो इसको हम लोग फर्स्ट फिंगर कहते हैं, या फोर फिंगर भी कभी कभी कहते हैं फर्स्ट फिंगर, ये हो गया मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर, ये हो गया थंब हो गया। पहली बात तो यह है कि फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें। तो कहता है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, फर्स्ट फिंगर इसके डायरेक्शन में, मोशन ऑफ कंडक्टर थंब के डायरेक्शन में, तो कहता है कि करंट फ्लो होगा अलोंग द सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक कंडक्टर है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कंडक्टर है, तो कहता है कि यह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम रखें फर्स्ट फिंगर को, कंडक्टर को हम थंब के डायरेक्शन में ऊपर नीचे हम मूव करें, भी हो ऊपर नीचे हो, तो कहता है कि करंट का डायरेक्शन होगा मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में, मतलब अंदर की ओर, ये जो करंट है इस तरह इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट होगा इस तरह डायरेक्शन होगा। तीनों इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, तो ये समझिए कि जेड एक्सिस में होगा। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर के डायरेक्शन में है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, मोशन ऑफ कंडक्टर थंब के डायरेक्शन में वाई एक्सिस में है, तो कहता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा जेड एक्सिस में हो जाएगा। इस तरह यदि कोई क्वाइल है, इस तरह कोई कंडक्टर है, तो करंट में इस तरह का करंट फ्लो होगा, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसी से मिलता जुलता एक और है जिसको हम लोग कहते हैं लेंज लो कहते हैं। देखिए लेंज लो क्या है, लेंज लो क्या कहता है, लेंज लो कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। क्या कहता है, जैसे एक क्वाइल,
मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल को नजदीक ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस करेंट प्रोड्यूस होगा। तो कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। इसमें जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसमें जो करंट पैदा हो रहा है, तो यह जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसमें जो करंट इंड्यूस होता है, उसका क्या डायरेक्शन होता है? तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस, अपोज करता है द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ईएमएफ, जो करंट के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको अपोज करता है। मतलब नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? नॉर्थ पोल। मतलब नॉर्थ पोल का मतलब हो गया यहां एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। यदि नॉर्थ पोल क्वाइल के नजदीक आ रहा है, मूव टुवर्ड्स क्वाइल, तो क्वाइल में कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। यही नॉर्थ पोल मान लेते हैं दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल मूव अवे फ्रॉम क्वाइल, क्वाइल से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है उसको कौन अपोज करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा कोई? दूर जा रहा है तो दूर जाने वाले को रोकेगा कौन? नॉर्थ पोल को रोकेगा कौन? साउथ पोल। मतलब फिर यहां साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, साउथ पोल का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं इधर साउथ पोल है, इधर साउथ पोल है, साउथ पोल को नजदीक ला रहे हैं, साउथ पोल मूव टुवर्ड्स क्वाइल, क्वाइल के नजदीक आ रहा है साउथ पोल, साउथ पोल नजदीक आ रहा है, तो नजदीक आ रहा है इसको कौन अपोज करेगा? यहां साउथ पोल पैदा हो जाएगा, साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। मान लेते हैं साउथ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है, तो साउथ पोल दूर जाने वाला को कौन अपोज करेगा? मतलब यहां नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल दूर जा रहा है उसको अपोज करेगा, खींचेगा। तो साउथ पोल जब दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तब साउथ पोल को कौन अपोज करेगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया। तो इस तरह लेंज लॉ कहता है कि लेंज लॉ जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ तो इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, लेकिन वह जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन इस तरह होता है सो दैट जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको अपोज करेगा। साउथ पोल नजदीक आ रहा है, इसको अपोज करेगा साउथ पोल, साउथ पोल दूर जा रहा है उसको कौन अपोज करेगा? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल का मतलब हो गया क्लॉकवाइज करंट। तो इस तरह लेंज लॉ के अनुसार कोई क्वाइल में करंट इस तरह प्रोड्यूस होता है। दरअसल चाहे लेंज लॉ हो, चाहे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो, सबको देखिएगा, नजदीक से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, तो देखिएगा कि सब एक ही है। अब एक चीज यहां जानना है कि लेंज लॉ कहता है या कहीं से भी कोई इंड्यूस करंट पैदा होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या अपने आप पैदा हो जाता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो पैदा किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। आखिर इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा हो जाता है? तो कहता है क्या यह लेंज लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है कि नहीं करता है? लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन
एनर्जी कंजर्वेशन। दरअसल कहता है कि यदि हम मैग्नेट को नजदीक लाते हैं दैट मींस वी डू मैकेनिकल वर्क, हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं, यही मैकेनिकल वर्क एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यार मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि हम साउथ पोल को दूर ले जाते हैं कैसे ले जाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा, तो यहां मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मतलब हेयर कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअल में यहां मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए कह सकते हैं कि लेंज लॉ या यहां जो इंड्यूस ईएमएफ होगा करंट हो गया, यह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है। हेंस लेंज लॉ ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। तो चलिए ये हो गया हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके आधार पर हमको पता चला कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो और यह ईएमएफ जो पैदा होता है, यहां जो करंट पैदा होता है, यह करंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं या लेंज लॉ हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यह जो ईएमएफ हम पैदा, यह जो इंड्यूस होता है या जो करंट जो इंड्यूस होता है, यह इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का क्या मेथड है, क्या क्या मेथड है, कौन कौन मेथड से हम लोग इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।